स्ट्रेस ऑफ गिविंग बर्थ किसी किसी की ट्रोमैटिक बर्थिंग जैसे कुछ लेडीज होते हैं उनका बर्थ आराम से बर्थिंग एक्सपीरियंस इजी होता है उन्होंने इजीली पुश किया बेबी आउट किसी किसी का ट्रोमैटिक बर्थिंग एक्सपीरियंस होता है उनको बहुत टाइम तक पुश करना पड़ता है बेबी को फिर उनका थर्ड डिग्री ट्यर हो जाता है किसी किसी का एमरजेंसी सी सेक्शन जैसे मेरा एमरजेंसी सी सेक्शन हुआ था एंड मेरा फर्स्ट सी सेक्शन का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था लाइक इट वॉज अ ट्रोमैटिक इवेंट फॉर मी तो अगर आपका डिलीवरी प्रोसेस भी ट्रोमैटिक रहा है Uh, आपके हार्मोनल डिप कर हार्मोन्स डिप कर रहे हैं साथ में आपको फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है रात रात भर आप बच्चे के साथ जाग रहे हो नींद पूरी नहीं हो रही है डायपर चेंज कर रहे हो ब्रेस्ट फीड करा रहे हो योर निपल्स आर सोर दिस इज अ जेन्यून प्रॉब्लम लाइक पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस यू आर अ फादर आई एम श्योर यू है ना तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में आपको पेन हो रहे हैं अलग अलग जगह पे आप रिकवर कर रहे हो आपका ब्लड लॉस हो गया है इतनी सारी चीजें तो ऑफ कोर्स अगर आप सोचो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के साथ इतना कुछ हो रहा है तो क्या वो एक ऐसी स्टेज पर नहीं जाएगा जहाँ पे उसको मेंटली थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो जहाँ पे वो थोड़ा सा डाउन हो जाए मेंटली, अब इस टाइम पे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा आपकी फैमिली का राइट right गाइडेंस नहीं मिलेगी राइट right खाना नहीं मिलेगा एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलेगा तो यही फेज़ आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है ऐसे ऐसे केसेस हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से औरतों ने ना ही सिर्फ सुसाइड किए हैं पर साथ में अपने बच्चों की भी जान लेने mm. की कोशिश की है जैसा हम डिस्कस कर रहे थे राइट right. है ना एंड इट्स इट्स नेवर टू लेट टू एड्रेस दिस इशू बिकॉज दिस इज़ वेरी कॉमन और सबसे बुरा मुझे तब लगता है जब लेडीज आके दूसरी लेडी को ये बोलती हैं कि आ, ये नई लड़कियों के चोचले हैं है ना जो ज्यादा पढ़ मुझे याद है मैंने इस बारे में किसी टॉपिक पर डिस्कस किया था और कॉमेंट में एक लेडी ने लिखा ये जो ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं ना लड़कियां इन लोगों के साथ ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन होते हैं हमको तो कभी नहीं हुआ आई अंडरस्टैंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन सबको नहीं हो सकता देर आर पीपल जिनका डिलीवरी इजी हो जाता है लाइफ सबकी सेम नहीं है ना देर आर पीपल हु गेट सपोर्ट बट जस्ट बिकॉज वो प्रॉब्लम आपको नहीं हुई कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को बिल्कुल ही नेगेट कर दोगे ये बोल के कि ये सब लड़कियों के चोचले हैं hmm. प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम आपको खुद को नहीं होगी ना आप दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकते अब मैं इस चीज को इसलिए समझ रही हूं क्योंकि मुझे खुद को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो चुका है Do